भाजपा के ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी विपिन सिंह ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी विपिन सिंह ने 1,26,376 वोट पाया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी विजय बहादुर यादव ने कुल 1,02,306 वोट पाया, जिससे विजय बहादुर यादव को 24,070 वोट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं विपिन सिंह ने 1,26,376 वोट पाकर जीत हासिल की, जिसके संबंध में ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी विपिन सिंह ने बताया कि चुनाव जीतने के लिए शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं और अपने ग्रामीण विधानसभा के सम्मानित जनता हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि सबके सहयोग से हमको दोबारा विजय श्री मिला। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में छूटे कार्य वाटर लॉगिंग सड़क को बनवाकर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह ने कहा, चलो फिर पीछे आओ। आइए विपिन बाबू, आइए। पीछे हो जाओ यार, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे मोबाइल कर लो। हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और गोरक्ष पीठाधीश पूज्य महाराज श्री जो हमारे प्रदेश के शीर्ष मुख्यमंत्री हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगे और अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और हिंदू वाहिनी के सभी हमारे नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि सबके सहयोग से सबके आशीर्वाद से आज हमको विजय श्री दोबारा मिली ग्रामीण विधानसभा। क्या कार्य रह गया था जिसको पूरा किया जाएगा? अब हमारे यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं, सारी सड़कें बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी छोटी गलियों में कुछ काम रह गया उसको कराना है। वाटर लॉगिंग का जो पोर्शन हमारे यहाँ कुछ है जहाँ वाटर लॉगिंग होती है लो लैंड है उसके लिए सीवर सिस्टम या जो भी होगा पंपिंग स्टेशन का हम फिर जीर्णोद्धार कराएंगे, ऐसे ही कुछ कार्य रह गए उसको हम प्राथमिकता के आधार पर कराने का प्रयास करेंगे। जीत का श्रेय किसे देंगे आप? सबको, हर कार्यकर्ता है और पूज्य महाराज जी की विशेष कृपा हमारे पर रहती है और शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाया। हम करीब 24,000 कुछ वोट से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, जबकि हमारे पास थोड़ी टफ सीट है, लेकिन फिर भी सबका स्नेह प्यार मिला, आज हम पुनः दोबारा विधायक बन के आ रहे हैं।